नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रो अरुणा जैन। जैसा कि आजकल एक ट्रेंड होता जा रहा है कि बच्चे टीवी देखते समय खाना खाते हैं या हाथ में मोबाइल लेकर खाना खाते हैं, बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं, तो इस तरीके से खाना खाने से क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं हमारे जिंदगी में, हमारे लिए क्या क्या परेशानियां आती हैं जो हम समझ नहीं पाते कि सब कुछ ठीक है फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, तो मैं उसका कारण बताऊंगी आपको। हमारी कुंडली का दूसरा भाव जो होता है वो हमारे खाने पीने का होता है, हमारे ईटिंग हैबिट्स का होता है, और साथ ही साथ वो हमारा धन भाव भी होता है। जब धन भाव और खाने पीने का भाव यानी कि दूसरा भाव और बिस्तर जो होता है वो हमारी कुंडली का 12वां भाव होता है हमारे व्यय का, हमारे खर्चों का, हॉस्पिटल का, और हमारे ऐसे कर्मों का जो जाने अनजाने हम गलतियां कर देते हैं और उनके हमें परिणाम भुगतने पड़ते हैं, चाहे हमारी कुंडली में वो योग बनते हो या ना बनते हो। तो जब भी दूसरे भाव का संबंध 12वें भाव से बनेगा, यानी कि बिस्तर पर बैठ के खाने का संबंध बनेगा, 12वां भाव हमारे बेडरूम का भी होता है, हमारे निद्रा का होता है। आजकल बच्चों को आपने देखा होगा, सपने आते हैं रात में, डर कर चौंक कर बुरी तरह उठ जाते हैं या रोना शुरू कर देते हैं। उसका कारण यही है कि जब आप बिस्तर पर बैठ के खाना खाते हैं, यानी कि दूसरे भाव को 12वें भाव से मिला दिया जाता है, तो हमारे घर में ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि हमारे अचानक खर्चे बढ़ने शुरू हो जाते हैं या हॉस्पिटल के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा हॉस्पिटल के आगे लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे होते आजकल। उसका रीजन समझ आया कि 12वां भाव हॉस्पिटल, डॉक्टर, खर्चा, बीमारी पर खर्चा, दूसरा भाव खाना पीना और धन। तो जब धन, खाना पीना और 12वां भाव बिस्तर, हॉस्पिटल, डॉक्टर कनेक्ट होते हैं आपस में, तो हमारा जो धन है, हमारा जो बैंक बैलेंस है, वो हॉस्पिटल में खर्च होता है। आज के बाद बिस्तर पे खाना नहीं खाना, समझ गए बिस्तर पे खाना खाने के कितने नुकसान है। आप आराम से बैठ के भोजन कीजिए, बिना मोबाइल के भोजन कीजिए, बिना टीवी के भोजन कीजिए। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया गया है कि मोबाइल और टीवी राहु के कारक होते हैं, तो राहु एक ऐसा प्लैनेट होता है जो किसी भी चीज को बिगाड़ सकता है और संवार सकता है। खाना होता है मंगल और बृहस्पति, तो जब राहु का मिलन मंगल और बृहस्पति से होता है तो हमारा लीवर खराब होता है, शुगर की प्रॉब्लम आती है, हमारी आंतें खराब होती हैं, हमारी इंटेस्टाइन्स खराब होती है, और हमारा ये जो क्राउन एरिया होता है इसे हम मंगल का स्थान बोलते हैं। लोगों में गुस्सा बढ़ता है, लड़ाई की भावना बढ़ती है, ऐसा मन करता है कि जो सामने वाले के पास है वो भी हमें मिल जाए, जो कि बहुत ही खराब स्थिति होती है। तो बिस्तर पर बैठ के खाना अवॉइड करें। मैंने आपको बहुत ही विस्तार से बताया है कि क्यों बिस्तर पर खाना नहीं खाना चाहिए। तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ आज के बाद बच्चे लोग खासकर बिस्तर पर बैठ के खाना नहीं खाएंगे। किसी भी प्रकार के वास्तु कंसल्टेंसी के लिए, वास्तु से रिलेटेड कोई भी परेशानी के लिए आप कॉन्टेक्ट कीजिए एस्ट्रो अरुणा जैन, नंबर स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। धन्यवाद।